सांसद और बंजारा समाज के नेता हरिभाऊ राठौर ने बीते 4 मार्च को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी का दामन थाम लिया है। इस संदर्भ में उन्होंने बीती शुक्रवार को यवतमाल जिले के दीगरा शहर के विश्राम गृह में आयोजित पत्र परिषद में पत्रकारों से वार्तालाप किया। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौर ने कांग्रेस बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज होकर आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ा था, लेकिन अब फिर से उन्होंने असंतुष्ट होकर आम आदमी पार्टी से न सिर्फ इस्तीफा दे दिया है बल्कि एक बार फिर नई उम्मीद के साथ भारत राष्ट्र समिति नामक पार्टी में अपनी नई शुरुआत की घोषणा भी कर दी है। उनके मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति नामक पार्टी ने तेलंगाना में वास्तविक रूप से किसानों, आम नागरिकों, युवा वर्ग, दलित, पिछड़ी जनजातियों सहित अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाई हैं, जिसकी चर्चा न सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में है बल्कि समूचे देश में भी केसीआर और उनकी पार्टी को जनहितैषी पार्टी के रूप में ख्याति प्राप्त हो चुकी है। इसलिए महाराष्ट्र में भी इस पार्टी के प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी है। इस आशय की प्रतिक्रिया हरिभाऊ राठौर ने आयोजित पत्र परिषद में दी है। सांगायचं तात्पर्य काय की गोरगरिबांची पार्टी, शेतकऱ्यांची पार्टी, शेतमजुरांची पार्टी आणि त्यांचा नाराज आहे की अब की बार किसान सरकार, अब की बार केसीआर सरकार, तर हे जे केसीआरचं मॉडेल आहे, हे जे काय म्हणतो आपण तेलंगणा मॉडेल आहे, हा देशभर फोफावल्याशी राहणार नाही आणि महाराष्ट्र त्याची सुरुवात आहे। महाराष्ट्र हा नंबर 1 राहणार आहे आणि बाकी राज्यातसुद्धा आम्ही खासदार, आमदार सगळ्या निवडणुका लढणार आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही हे करून दाखवू। जे केसीआर पॅटर्न आहे तो इथे जर आणला तर हा शेतकरी खऱ्या अर्थाने इथे सुखी संपन्न होईल। आज काय परिस्थिती आहे शेतकऱ्यांची, कापूस घरी पडलेला आहे, त्या ठिकाणी सोयाबीन पडलेली आहे, अहवाल दिन झालेला आहे शेतकरी। भारत राष्ट्र समिति नामक पार्टी की योजनाओं को कल्याणकारी बताते हुए हरिभाऊ राठौर ने विश्वास जताया कि लोग इस पार्टी को न सिर्फ भरपूर समर्थन देंगे बल्कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। इस पत्र परिषद में हरिभाऊ राठौर ने किसी भी अन्य पार्टी की आलोचना नहीं की, लेकिन शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों की नीतियों पर टिप्पणी की। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न असंवैधानिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है और आगामी लोकसभा चुनाव के परिणामों में ये रोष जरूर नजर आएगा। बहरहाल इस मौके पर हरिभाऊ राठौर ने स्पष्ट किया कि उन्हें आइंदा हरिभाऊ नहीं बल्कि हरि सिंह राठौड़ के नाम से पहचाना जाए, क्योंकि असल में हरि सिंह राठौड़ ही उनका पैदाइशी नाम है और यह नाम न सिर्फ उच्चारण के लिहाज से प्रभावी लगता है बल्कि उन्हें यह नाम काफ़ी पसंद भी है। अपने नाम में वजन और प्रभाव की बात करने वाले हरि सिंह राठौड़ की नई पार्टी का भविष्य आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।